सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई को दी मंजूरी। 15 अप्रैल को होगी सुनवाई। केजरीवाल ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, बीजेपी के लोग दंगा करने आते हैं, बीजेपी का काम सबको जेल में डालने का है। देश भर में ईद उल फितर का जश्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं और हस्तियों ने सोशल मीडिया के जरिए दी बधाई। प्रयागराज में नमाजियों पर बरसाए गए फूल। उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी लड़ सकते हैं चुनाव। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एके एंटनी ने की पुष्टि। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा पत्र। सैनिक स्कूलों का निजीकरण रोकने का किया अनुरोध। बीजेपी आरएसएस के हाथों में इनका संचालन देने के लगाए आरोप। सीए लागू हुए एक महीना पूरा। असम से केवल एक व्यक्ति ने दाखिल किया आवेदन तो पश्चिम बंगाल से एक भी नहीं। नियमों के चलते नागरिकता के थमे आवेदन। चुनाव प्रचार के लिए राजस्थान पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। राहुल की बीकानेर और जोधपुर में चुनावी रैली। ओडिशा में बीजेडी से बीजेपी में शामिल हुए विधायक अरविंद धाली और प्रेमानंद नायक पर एक्शन। स्पीकर प्रमिला मलिक ने दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य किया घोषित। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में दो उम्मीदवारों की घोषणा। धुले सीट से शोभा दिनेश बच्छाव को और जालना सीट से डॉक्टर कल्याण काले को बनाया उम्मीदवार। चुनाव प्रचार के लिए उत्तराखंड पहुंचे पीएम मोदी। मंच पर डमरू बजाकर सभा में आई भीड़ का किया स्वागत। ऋषिकेश से गढ़वाल की 3 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश। भारत चीन विवाद पर पीएम मोदी का अहम बयान। कहा, भारत चीन बॉर्डर विवाद पर तत्काल चर्चा जरूरी। डिप्लोमेटिक मिलिट्री लेवल पर बात करके कर सकते हैं शांति कायम। इसी महीने भारत आ रहे हैं एलन मस्क। पीएम मोदी से होगी मुलाकात। टेस्ला प्लांट का करेंगे ऐलान। चीन को छोड़ जर्मनी में बनवा रहे इंडिया की कारें। चीन के आगे नहीं झुके पुतिन। भारत चीन में बढ़ते तनाव के बीच रूस ने भारत को दी इगला एस मिसाइल। इसे चीन के खिलाफ हिमालय में तैनात करेगा भारत। पाकिस्तान में कराची की सड़कों पर उतरे 4 लाख प्रोफेशनल भिखारी। मॉल्स, बाजारों, ट्रैफिक सिग्नल्स पर डाला डेरा। चीन को जवाब देने समंदर में उतरा जापान। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार एयरक्राफ्ट करियर तैयार। उड़ेंगे F-35B जेट। भारत की जीडीपी में बढ़त का अनुमान। एडीबी ने वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी में 6.7 से बढ़ाकर 7% की वृद्धि का दिया अनुमान। आधार एटीएम से घर बैठे निकाल पाएंगे कैश। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने शुरू की ऑनलाइन आधार एटीएम AEPS की सुविधा। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा 17वें सीजन का 25वां मुकाबला। बेंगलुरु के नाम वानखेड़े स्टेडियम का हाईएस्ट टीम स्कोर। कर्नाटक हाईकोर्ट ने लगाई मैदान पर रोक। कर्नाटक के अनिल कुमार नाम के एक स्क्रिप्ट राइटर ने लगाए फिल्म पर साहित्यिक चोरी के आरोप। बोनी कपूर आदेश के खिलाफ दायर करेंगे अपील। इफ्तार पार्टी में मुनव्वर फारूकी पर अंडे से हुआ हमला। भीड़ के बीच से गुस्से में लौटे कॉमेडियन। मामले में रेस्टोरेंट के मालिक और उसके 5 स्टाफ गिरफ्तार।